नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की। पीएम मोदी ने लिखा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर हमारे ध्यान ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए जरूरी बचत शुरू की। अठासी लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 6414 करोड़ की राहत। बिजली बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ। सीएम शिवराज करेंगे योजना का शुभारंभ। कटनी के स्लिमनाबाद में होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। बकाया मूल राशि और अधिभार होगा मांग। रगड़ में अब चुनावी माहौल बनने लगा है। चुनावी जुबानी जंग के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी। बताया कि भूपेश सरकार के पास बताने के लिए उपलब्धियों के रूप में कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का आरोप है, 3 साल में सरकार ने खैरागढ़ की सिर्फ उपेक्षा ही की। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी सभा में डॉक्टर रमन सिंह पर चिटफंड कंपनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जबलपुर में लक्ष्य से ज्यादा जीएसटी वसूली, 900 करोड़ से अधिक कलेक्शन और कर चोरी पकड़ी। 2021-22 में वार्षिक लक्ष्य से 374 करोड़ रुपए ज्यादा। आज योग अमृत महोत्सव का आयोजन। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर योग अमृत महोत्सव। आयुष मंत्रालय की ओर से योग अमृत महोत्सव का आयोजन। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर के नए स्वरूप को अद्भुत बताया। आतंकवाद के मामले में गृहमंत्री ने कहा, किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के 75 वर्ष पूरे होने के बाद अगले अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस का आंतरिक कला बताया। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बाद अब कांग्रेस भी धार्मिक यात्रा निकालने की तैयारी है। कांग्रेस 9 अप्रैल को अचलेश्वर महादेव मंदिर से शीतला माता मंदिर तक यात्रा निकालने वाली है। भारत में झरने से खाई में गिरे दो युवक। सिया देवी मंदिर गए थे दो युवक, एक युवक का पैर फ्रैक्चर। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। नारा गांव स्थित सिया देवी मंदिर का मामला। नगर के बीना थाना क्षेत्र के गड़ा गांव में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, जिसके चलते कई एकड़ फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। मौके पर पहुंचे नगर पालिका निगम की दमकलों ने करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेत का अवैध उत्खनन करते इस पॉकलैंड मशीन को भी किया जब्त। गोरा मछवाई रेत खदान क्षेत्र में कार्रवाई, खनिज माफियों में मचा हड़कंप। कोरबा में रेल कॉरिडोर के भू विस्थापितों ने रेलवे कार्यस्थल पर प्रदर्शन किया और भू विस्थापितों ने मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई।
विस्थापित संगठन के कृष्णा नागर इकाई की सचिव सीमा देवी ने बताया कि जिला प्रशासन, रेलवे विभाग और अन्य संबंधित विभागों को आवेदन देकर गुहार लगा चुके हैं। सिम कार्यालय के नाम से दोस्त देने वाले आरोपी के खिलाफ एक और पीड़ित निकलकर सामने आया, जिसने सीएम कार्यालय में पहचान का हवाला देकर बदमाश लकी उर्फ गोविंदा पर लोगों को पास करवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया। साथ ही आरोपी नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन का बुलडोजर, बदमाश शहीद कबाड़ी के अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। दुगने ब्याज दरों पर कार्रवाई के लिए बजरंग दल ने जिला कलेक्टर, एसपी और एसीएसपी के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा। मतलब है कि कोरोना काल में महिलाओं ने बड़ी संख्या में ब्याज लेकर घर चलाने की कवायद की थी, जिसे लेकर अब ब्याजखोर महिलाओं से मूल रकम के साथ अतिरिक्त ब्याज भी वसूले। बहरमपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने नाबालिग को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया। नशा शादी समारोह के डीजे बजाने के नाम पर चारों आरोपियों ने नाबालिग के साथ बड़ी बहरहमी से मारपीट की थी, जिसके 10 दिन बाद लापता नाबालिग काश्यप कुएं से बरामद। पहले परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाया था, पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। महासमुंद नगरपालिका प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, नगरपालिका प्रशासन पिछले 6 सालों से बिना पंजीयन, बिना नंबर के वाहन से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करता था। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद नगरपालिका के आला अधिकारी जहां कागज दिखाने की बात कर रहे थे, वहीं यातायात विभाग एवं परिवहन विभाग के आला अधिकारी अब जांच कर कार्रवाई करने का रटा रटा राग लाप रहे हैं। बलरामपुर जिले में इन दिनों यूपी से आया एक बड़ा चक गिरोह एक्टिव है। जानकारी के मुताबिक ये लोगों को कपड़ा बेचते हैं और कपड़ों से निकलने वाले कूपन का लालच देते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से नकदी, रुपए, बाइक और अन्य चीजें बरामद की गई। मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन गुरुवार को किया जाएगा। कटनी मुडवारा पहुंचकर सीएम शिवराज इसका उद्घाटन करेंगे। जबलपुर के गांधी भवन टाउन हॉल में लोग बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरने पर बैठे। इन संगठनों का कहना है कि बिजली के दाम बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। साथ ही इनका यह भी आरोप है कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में। टिकरिया थाना क्षेत्र के कुमा गांव में पुलिस ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुबारक अली के घर के सामने से पुलिस ने एलपीजी गैस रिफिलिंग किट भी बरामद की। क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 11 फोर व्हीलर वाहन जब्त किया। अंबिकापुर के धरनास्थल स्टेट बैंक खड़ी चौक पर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने अपने हड़ताल के तीसरे दिन पोस्ट कार्ड दिवस मनाया।
दादर में दर्दनाक हादसे में दादी और पुत्र की मौत होने की खबर। हादसा राजेंद्र नगर ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के पास मलबा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि रामनवमी को दिवाली की तरह ही कांग्रेस हर घर दीपक घर घर दीपक का वितरण करेगी। उन्होंने बताया कि नारे के साथ इंदौर के हर वार्ड में चार घर 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 11 दीपक का पैकेट का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अब बुलडोजर मामा के नाम से भी मशहूर हो चुके हैं। जिला अस्पताल प्रशासन की तरफ से मुंह के बोई मोहल्ला स्थित आरोपी मुकेश और चटपटी वर्मा का अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। नगर में बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली पर कोतवाली थाना घेराव किया। कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष उमेश के विरुद्ध एफआईआर का विरोध किया। शिवपुरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर स्थित शराब की दुकान पर महिलाओं ने एकजुट होकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक शराब की दुकान अन्य स्थानों से हटाकर दूसरी जगह खोली गई थी जहां महिलाओं ने एकाएक हमला बोल दिया। बोरेला पेंटुआ मरवाही जिले में गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 सालों से आवास अधूरे पड़े हैं। 3 किस्त राशि निकलने के बाद भी आवास पूर्ण नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 प्रधानमंत्री आवास हैं जिनकी तीनों किस्तों को आरटीएस के माध्यम से हितग्राही के खाते से ठेकेदार ने अपने खाते में ट्रांसफर करवाया। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास अधूरा होने के कारण पंचायत से पलायन कर लिया है और दूसरे गांव में जाकर रहने को मजबूर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी मासूम के आह्वान पर देवभोग मनरेगा शाखा के 71 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में 49 रोजगार सहायक और 22 मनरेगा शाखा के कर्मचारी शामिल। वह पहले दिन ही हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। गाजियाबाद जिला में मानव दिवस शून्य रहा। जयपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में 5 हाथियों का दल पहुंचा जहां हाथियों के दल ने गन्ने और गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के दल में हाथियों के 2 बच्चे भी शामिल है। वहीं वन विभाग ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने को कहा। इंदौर में लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किया है। अब गर्मी को लेकर सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया। अभी आंगनवाड़ी का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक किया गया है। तो उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से जिले में लागू कर दिया गया। गाड़ा गांव के खजूरी क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से क्षेत्रवासी खासी नाराज।
वही विरोध प्रदर्शन में छिंदवाड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष बंटी साहू भी क्षेत्रवासियों के साथ शामिल। दुर्ग में पद्मापुर थाना क्षेत्र के एक दुकान में भीषण आग लगी जिससे लाखों का नुकसान बताया गया। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलमपुर के ग्राम पंचायत सिरेडा के ग्रीन जनपद सदस्य की दबंगई से परेशान, इसे लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से दी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मध्य प्रदेश की जनता को एक और बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ता बिजली जलाए या नहीं, फिक्स चार्ज के साथ उन्हें न्यूनतम चार्ज देना होगा। रमन क्षेत्र में 55 रुपए तो शहर में 69 रुपए का न्यूनतम फिक्स चार्ज तय किया गया। बिजली कंपनियों ने इस बार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम चार्ज के तौर पर 70 रुपए निर्धारित किया। खास बात यह कि 100 यूनिट चलाने पर 100 रुपए चार्ज लगेगा, लेकिन बिजली न खर्च 125 से 139 रुपए तक होंगे। आदनी मुर्तजा मामले में नित नया मोड़ आ रहा है। बेहद शार्प माइंड का मुर्तजा साइंटिस्ट बनने के बाद पढ़ाई को केमिकल कर रहा था। गोरखनाथ मंदिर में हुए अटैक मामले में अब तक की जांच में सामने आया कि मुर्तजा को फैमिली फॉर्मूला में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उनकी होने का फायदा उठाकर आतंकी संगठन उसका ब्रेन वॉश कर लोग वुल्फ अटैक कर सकते। सूत्रों का कहना है कि मुर्तजा एटीएस की पूछताछ में एक बार फिर किसी भी सवाल का जवाब साफ तौर पर नहीं दे रही। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी, रूस के नरसंहार की तस्वीरें वायरल। मामले में भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। भारत शांति का पक्षधर है, उन्होंने कहा कि हम सभी तरह की हिंसा के विरोध हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1033 नए केस आए सामने। हरियाणा में कोरोना के 69 नए मामले आए सामने, 54 मरीजों ने कोरोना को दी मात।